दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और विराट कोहली को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज मोहाली के मैदान पर विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेल रहे हैं। पहली पारी में वो शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेलकर अपने से आगे देश को रखा। वहीं उनके जाने के बाद बीच मैदान पर श्रीलंका के गेंदबाजों को ऋषभ पंत ने 440 वोल्ट का झटका दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी आज पहले दिन ऋषभ पंत ने की, और इन दोनों ही खिलाड़ियों से प्रभावित होकर विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने पंत और कोहली की तारीफ करते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। ऐसा क्या कहा अनुष्का शर्मा ने, वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत और विराट कोहली में से शानदार बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मोहाली के मैदान पर कई सारे इतिहास लिखे गए। सबसे बड़ा इतिहास तो विराट कोहली का 100वां मुकाबला था। अपने इस मुकाबले में उन्होंने शतक तो नहीं लगाया, लेकिन 45 रनों की एक बेहद ही आकर्षक पारी खेली, और उनकी इस पारी के दम पर टीम इंडिया एक अच्छी स्थिति में है। हालांकि एक समय भारतीय टीम की लड़खड़ाती पारी को धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न सिर्फ संभाला, बल्कि विरोधी टीम को पहले ही दिन मुकाबले से बाहर कर दिया। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी रही आज के दिन ऋषभ पंत की। उन्होंने महज 97 गेंदों में 96 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। बता दें कि ऋषभ पंत जब 50 रन के पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनका स्ट्राइक रेट 67 का था, लेकिन 50 रनों के बाद उनका स्ट्राइक रेट 356 रनों के पार पहुंच गया, और कुछ इस अंदाज में उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। वहीं दोनों ही बल्लेबाजों से प्रभावित होकर आज के दिन मैदान पर मौजूद अनुष्का शर्मा ने मैच समाप्त होने के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए अपना बयान दिया है। दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने कहा है कि आज विराट कोहली ने अपना 100वां टेस्ट मुकाबला खेला, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो अपने लिए, मैं उनके लिए काफी खुश हूँ, पर मुझे गर्व है कि मैं उनकी पत्नी हूँ। भले ही आज के मुकाबले में वो शतक नहीं बना पाए हों, लेकिन उनकी 45 रनों की पारी मेरे लिए शतक के बराबर है। वो इतनी देर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके दिमाग में ये नहीं था तो मुझे शतक लगाना है, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि कैसे इस मुकाबले में भारत को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाना है, और एक महान खिलाड़ी की परिभाषा यही होती है। दोस्तों, जब उनसे ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पंत जैसा विकेटकीपर बल्लेबाज मैंने नहीं देखा। भले ही मैं क्रिकेट के बारे में बाकियों से थोड़ा कम जानती हूँ, लेकिन जब से मैंने झूलन गोस्वामी मूवी करनी शुरू की है, तब से मुझे क्रिकेट के बारे में काफी जानकारी हुई है, और इस जानकारी के मुताबिक मैं ऐसा कह सकते हैं कि ऋषभ पंत जैसा विकेटकीपर बल्लेबाज मैंने नहीं देखा। जिस तरीके से उन्होंने आकर पहले ही दिन मुकाबले को भारत की तरफ झुका दिया है, सच में ये काबिले तारीफ है। दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने जिस तरीके से ऋषभ पंत और विराट कोहली की तारीफ करते हुए अपना बयान दिया है, उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि इन दोनों ही बल्लेबाजों की बहुत बड़ी प्रशंसक है वो। हालांकि आज के दिन विराट और पंत दोनों ही शतक से चूक गए, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगली इनिंग में ये दोनों बल्लेबाज शतक लगा पाते हैं या नहीं। अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।